आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। देश को आज प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में बड़ी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय को 3 मूर्त भवन में बनाया गया है। उद्घाटन से पहले मोदी ने संग्रहालय का पहला टिकट भी खरीदा। बता दें कि इस संग्रहालय के जरिए देश की आजादी के बाद बने प्रधानमंत्रियों के योगदान के बारे में बताया जाएगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन युवाओं को आसान तरीके से सूचना देने की कोशिश, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यों का प्रदर्शन, आधुनिक संचार सुविधाओं का इसमें इंतजाम, मल्टीटच मल्टीमीडिया इंटरैक्टिव स्क्रीन लगाई गई है, साथ ही स्मार्टफोन एप्लीकेशन की भी सुविधा पहले दी गई है, जिसमें नेहरू संग्रहालय का नाम था। ये संग्रहालय दुनिया को दिखाएगा, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा अनुभव देगा जैसे हम वाकई उसी दौर में जी रहे हैं, उन्हीं प्रधानमंत्रियों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। साथियों, हमें अपने युवा साथियों को इस म्यूजियम में आने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। ये म्यूजियम उनके अनुभवों को और विस्तार देगा। युवाओं को आसान तरीके से सूचना देने की कोशिश, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यों का प्रदर्शन, आधुनिक संचार सुविधाओं का इसमें इंतजाम, मल्टीटच मल्टीमीडिया इंटरैक्टिव स्क्रीन लगाई गई, स्मार्टफोन एप्लीकेशन की भी सुविधा। पहले नेहरू संग्रहालय था नाम। दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कई आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पहला टिकट खरीदा, इसका उद्घाटन किया, साथ ही साथ इस संग्रहालय का जो मुख्य उद्देश्य है वो है देश के अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में युवाओं तक, आज की पीढ़ी तक जानकारी पहुंचाना, उनके कार्यों का, उनके काम करने का तरीका, उन सभी चीजों की जानकारी मुहैया करवाना ही इस संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। युवाओं को आसानी से जोड़ा जा सके सभी प्रधानमंत्रियों से, उनकी नीतियों से, उनकी जितने भी संघर्ष हैं और किस तरह से उन्होंने काम किया है, इन सभी तमाम चीजों का ब्यौरा यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। आधुनिक संचार सुविधाओं का इसमें इंतजाम किया गया है, मल्टीटच मल्टीमीडिया इंटरैक्टिव स्क्रीन लगाई गई है, स्मार्टफोन एप्लीकेशन की भी सुविधा दी गई है। इन तमाम आधुनिक उपकरणों की सहायता से आज के युवा जुड़ पाएंगे और साथ ही साथ अनुभव कर पाएंगे पूर्व प्रधानमंत्रियों से मिलने का, उनके बारे में जानकारी हासिल करने का। आपको बता दें कि इससे पहले इसका नाम नेहरू संग्रहालय था, इसे और आधुनिक बनाया गया है। रुक करते अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी के अहियागंज गुरुद्वारे तेग बहादुर साहब में बैसाखी उत्सव समारोह में शामिल हुए। गुरुद्वारे में बैसाखी पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज बैसाखी का दिन खालसा पंथ की स्थापना के साथ महावीर जयंती और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। इस खास अवसर पर सीएम योगी ने देशवासियों को बधाई दी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि बैसाखी, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती एक ही दिन पड़ना बड़े ही सौभाग्य की बात है। ये तीनों पर्व नए ऊर्जा से जीवन का संचार करने की प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के नागरिकों को दिया है, उन भावनाओं का परिणाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज भी भारत दुनिया के लिए न केवल एक आश्चर्य बना हुआ है बल्कि एक नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहा है।
तो बाबा साहेब की आज जयंती है, साथ ही साथ गुरुद्वारे पहुंचकर बैसाखी का पर्व भी मनाया। महावीर जयंती का भी दिन है, जिसके उपलक्ष्य में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को इसकी शुभकामनाएं दी। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, आज इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ किया, पुष्प अर्पित किए बाबा साहब की मूर्ति पर और क्या क्या संदेश दिए? साहब अंबेडकर की 131वीं जयंती है, जिसके अवसर पे आज योगी आदित्यनाथ जीपीओ स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित किया और पूजा अर्चना के बाद उन्होंने साफ तौर से कहा कि बाबा साहब का जो कथनी कहना था कि संगठित रहो और शिक्षित रहो, जिसपे साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ से कहना था कि उनके दिए गए निर्देशों पे चल के हमें एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। और इन्हीं सब जो जी विभाषो, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। तो जिस तरह से आज देश में तीन महापर्व मनाए जा रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और इस उपलक्ष्य में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्पमाला अर्पित करी उनकी मूर्ति पर, साथ ही महावीर जयंती और बैसाखी का पर्व भी आज ही के दिन मनाया जा रहा है। बैसाखी के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारा पहुंचे और वहां पे श्रद्धा पूर्वक उन्होंने ईश्वर को याद किया। गोतारे महावीर जयंती भी आज के दिन मनाई जा रही है, तीन महापर्व मनाए जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में सीएम योगी ने कहा कि तीनों पर्व नई ऊर्जा से जीवन का संचार करने की प्रेरणा देते हैं। सौभाग्य की बात बताई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे, लोगों को इसकी बधाई भी दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी और अब सीएम योगी ने भी बधाई दी है। और इस खबर पे हमारे साथ एक बार फिर संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से प्रेरणा देती आई है, जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में संघर्ष करे, हमारे देश को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए कई काम करे और उनके जीवन से काफी सीख मिलती है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेरणा लेने की बात कही है, क्या कुछ कहते नजर आए आज? विभांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विभांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम आज गुरुद्वारा पहुंचे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भगवामय नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गुरु तेग बहादुर साहेब गुरुद्वारा पहुंचे, उन्होंने वहां पे जन मत्था टेका, साथ ही साथ बाबा साहेब की मूर्ति पर पुष्प भी अर्पित किए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में महंगाई दोगुनी रफ्तार के साथ बढ़ रही है, पीएनजी सीएनजी गैस सब्जी और तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। आज सीएनजी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई, दाम में 2.5 रुपए का इजाफा हुआ है। सीएनजी की कीमतों में इजाफे के बाद लोगों का सफर और महंगा होगा। बता दें कि इससे पहले नींबू 300 रुपए किलो के पार हो गया था। इसके अलावा रोडवेज बस का सफर भी महंगा हो गया और बस का किराया 1 से 7 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। तो महंगाई की मार जनता झेल रही है, हर तरफ महंगाई से हाहाकार हो रहा है, हर चीजों के दाम में आग लग रहे हैं, वो चाहे सीएनजी हो, पीएनजी हो, सब्जी हो, सभी चीजों के दाम में आग लग रही है। महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है, जेब पर सीधा असर पड़ रहा है आम लोगों की। सीएनजी पीएनजी गैस तेल हर चीज का दाम बढ़ रहा है और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से अब आम जनता का सफर, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलती है, उनका सफर अब और महंगा हो गया है। सीएनजी की कीमतों में इजाफे के बाद लोगों का सफर और महंगा हो गया है। बता दें कि इससे पहले नींबू 300 रुपए किलो के पार पहुंच गया था। नींबू के महंगे होने की लगातार खबरें भी चल रही हैं, कई मीम्स भी सामने आ रहे हैं और अब सिर्फ नींबू ही नहीं, हर चीज में महंगाई देखने को मिल रही है। पहले जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो काफी हंगामा होता था, लेकिन अब पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी पीएनजी नींबू सब्जी हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं और अब रोडवेज बस पे भी इसका असर पड़ा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने भी अब अपना किराया बढ़ा दिया है।
रोडवेज बस का सफर महंगा हो गया है। बस का किराया 1 से लेकर 7 रुपए तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 1 से 7 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। अब आम आदमी जो कि पेट्रोल डीजल की मार झेल रहा था, पेट्रोल डीजल नहीं भरवा पा रहा था, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलने वाला व्यक्ति, अब उसके लिए भी कहीं ना कहीं जीना दुभर होता नजर आ रहा है। बस का किराया भी बढ़ गया है, तो सीधे तौर पर जेब पे असर पड़ रहा है आम लोगों की। हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियां हो वो गायब होती नदारद होती नजर आ रही हैं आम जनता की थाली से, खाद्य तेल हो उसके दाम भी बढ़ गए हैं, नींबू जिस जो काफी सहारा देता है गर्मियों में, एकमात्र ऐसा ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से लोग थोड़ा अपने आप को गर्मी से राहत देने के लिए उसका उपयोग करते हैं, नींबू पानी बना लेते हैं, शरबत बनाते हैं, इसका काफी उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए ईंधन की, तो सीएनजी पीएनजी पेट्रोल डीजल हर चीज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, महंगाई हर तरफ देखने को मिल रही है, अब आम लोगों का चलना भी महंगा होता नजर आ रहा है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलने वाले लोग, बस से चलने वाले लोग, उनकी जेब पे असर पड़ेगा, 1 से 7 रुपए तक का किराया बढ़ा दिया गया है, किस तरह से देखते हैं? जी शिखा, आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में सफर करना महंगा हो चुका है। आज परिवहन विभाग की तरफ से जो किराया है उसमें बढ़ोतरी की गई है, और बढ़ोतरी की अगर बात की जाए तो साफ तौर से जो परिवहन विभाग है उसकी तरफ से कहना है कि जो टोल टैक्स है उसमें कहीं 2 रुपए, कहीं 4 रुपए, कहीं 6 रुपए टोल टैक्स की कीमतों में इजाफा किया है, जिससे साफ तौर पे जो टिकटों के मूल्य है उसमें बढ़ोतरी की गई है। और अगर आपको बताएं कि जो छोटी रूटों की बसें हैं, चाहे बात की जाए तो जो 100 किलोमीटर से अंदर है उसमें 7 रुपए, 1 रुपए से 7 रुपए बढ़ोतरी की गई है। वहीं अगर बात की जाए तो लखनऊ से दिल्ली की बात की जाए तो लखनऊ से दिल्ली की बसों में 10 रुपए तक का इजाफा किया गया है, जिससे साफ तौर पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग ये कई कहते हुए नजर आ रहा है कि टोल टैक्स की कीमतें बढ़ाई गई हैं। वहीं इसका आज हमने एक रियलिटी टेस्ट किया, जिसमें साफ तौर पे यात्रियों का ये कहना था कि सरकार को इस सब चीजों को सोचते हुए, जहां पेट्रोल डीजल और रसोई गैस खाद्य पदार्थ एवं समस्त चीजों में महंगाई आ रही है, उसी क्रम में अब सरकार को इस पे नकेल कसते हुए महंगाई को लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि हर एक क्षेत्र में महंगाई आसमान छूते जा रही है और कहीं ना कहीं इससे जनता परेशान है। वहीं आपको बता दें कि जो नई नियम है ये अब लागू हो चुके हैं आज से। वहीं अगर बात की जाए तो टिकटों की जो ऑनलाइन फीडिंग के माध्यम से पर्चे मिलते थे, वो पर्चे नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि रसीद के माध्यम से टिकट काटे जा रहे हैं, और मशीन अपडेट के बाद फिर से जो है ऑनलाइन टिकट दिए जा रहे थे, जो मशीन से टिकट निकलती उससे दिए जाएंगे, अभी मात्र रसीद से टिकट काटे जा रहे हैं। जी शिखा, विभांशु, रोडवेज बस का किराया बढ़ा है, अगर बात करें प्राइवेट बस की, इलेक्ट्रॉनिक बस की, तो क्या उनके किराए में भी बदलाव हो चुका है? जी बेशक, अभी जो गवर्नमेंट की बसें हैं, जो उत्तर प्रदेश की बसें हैं, उसमें इजाफा हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखे तो प्राइवेट भी अपने मनमानी के रेट अब लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि टोल के दाम बढ़े हैं, तो उनके भी जो फेयर होते हैं, जो आपके शुल्क होते हैं उनके बसों में बैठने के, वो कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल और आपके जो जो गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं उसमें भी, चाहे बात की जाए लुब्रिकेंट, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सर्विस बसें की है तो उसमें कहीं ना कहीं उनके तरफ से बढ़ोतरी की जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि अब तक जो गवर्नमेंट बसें हैं उसमें इजाफा किया गया है, यूपीएसआरटीसी के जो भी बसें हैं उसमें इजाफा किया गया है, और जल्दी हो सकता है कि प्राइवेट बसों में भी इजाफा किया जाए। विभांशु, इलेक्ट्रॉनिक बस की बात अगर करी जाए तो क्या उसमें भी बढ़ाया गया है किराया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक से चलती है, बिजली से चलती है, ईंधन का कोई उसमें उपयोग नहीं है, तो क्या उसका भी किराया बढ़ेगा या उससे जनता को राहत मिल सकती है? जी साफ तौर पे अगर देखें तो जो देश के आपके सड़क मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनका साफ तौर पे कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाकर हम कहीं ना कहीं बेहतर वातावरण और बेहतर अपने पैसे को बचा सकते हैं। उसी कड़ी में आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो छोटे रूटों पे चलती है, सिटी बस के तौर पे अभी उत्तर प्रदेश में उपयोग हो रहा है। वहीं राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो सैकड़ों बस चल रहे हैं, और उसके अगर शुल्कों की बात की जाए तो उसके शुल्क में बिल्कुल इजाफा नहीं हुआ है,
कहीं ना कहीं, क्योंकि वो एक लखनऊ एलडीए के और इन सब अथॉरिटी के अंदर में आती है, तो उनके तरफ से अभी निर्देश नहीं आए हैं, बल्कि जो लंबे दूरी तय करने वाली बसें हैं उस पर अभी डीजल से ही चलने वाली बसें चल रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक बस अभी जो लंबे रूटों पे नहीं चल रही है, तो कहीं ना कहीं अभी देखे तो बस जो डीजल से चलने वाली बसें हैं उन पे इजाफा हुआ, इलेक्ट्रिक को इससे बाहर रखा गया। जैसे कहा जी, अगर बात करी जाए बाकी चीजों पे महंगाई की, तो सब्जियां भी लगातार महंगी हो रही हैं, लोगों की थाली से सब्जियां नदारद होती नजर आ रही हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? सब्जियों के भाव जो आसमान छू रहे हैं उसको किस तरह से देखेंगे विभांशु? जी, साफ तौर पे इसके लिए प्राइम टीवी टीम ने एक रियलिटी चेक किया था, जिसमें आपने देखा कि जो खरीदार है उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको जो नींबू उन्हें 10 के 2 मिलते थे, वो आज कहीं ना कहीं 15 के बढ़िया नींबू 1 मिल रहे हैं एक पीस। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो खरीदारों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। वहीं ग्राहकों दुकानदारों से बात की गई तो उनका कहना है कि हम महंगी सब्जियां लेके आ रहे हैं तो हमें इसको महंगा बेचना पड़ेगा। और साथ ही आपको बता दें कि आजकल पेट्रोल और डीजल के दाम भरे हुए हैं, जिसकी वजह से जो माल की ढुआई होती है उसका जो शुल्क होता है, उसका जो भुगतान होता है, कहीं ना कहीं उस पे भी रेट बढ़ गए हैं। बात की जाए तो यहाँ की मंडियों की, तो मंडियों में जो सब्जियां या जो भी खाद्य पदार्थ आ रहे हैं उसकी जो ढुआई की कीमतें होती है उसमें इजाफा हुआ है, जिसका असर उनके प्रोडक्ट के जो उत्पादन है उनके रेटों पे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल और टोल टैक्स में एक बार फिर इजाफा हुआ है। जहां एक तरफ सरकारी बसों के दाम बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं माल ढुआई में भी जो मूल्य है उनमें भी फर्क आया है। जैसे अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो विपक्ष अपनी क्या अहम भूमिका निभा पा रहा है, उसका कुछ फर्क पड़ रहा है? क्योंकि पिछली बार जब महंगाई लगातार बढ़ रही थी तो विपक्ष सोशल मीडिया पे बैठ के ट्विटर वाली राजनीति कर रहा था, लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर आवाज उठा रहा था। इस बार क्या परिस्थितियां, उसका कितना फर्क पड़ रहा है विभांशु? जी शिखा, आप देख रही है कि विपक्ष पूरी तरह से चुप है और एक महज छोटा मोटा प्रदर्शन किया जा रहा है, वो भी प्रदर्शन किसी बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस की तरफ से बीते हफ्ते प्रदर्शन किया गया महंगाई को लेकर और तमाम नारे लगाए गए सरकार के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ, तो इसमें आपने देखा कि कहीं ना कहीं वो जो आंदोलन था उनका महंगाई के खिलाफ वो फेल हो गया। और दिल्ली से लेकर हर एक राजधानी में कहा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि प्रदर्शन करे, तो कहीं ना कहीं एक दो दिन के प्रदर्शन के बाद वो महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन शांत हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो बस ट्विटर और सोशल मीडिया पर महंगाई के खिलाफ नेता लिखते हुए देखे जा रहे हैं, जहां राहुल गांधी की तरफ से लिखा गया था कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई पर लॉकडाउन हट चुका है और उसके रेट बढ़ेंगे। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट कुछ दिन पहले किया गया था महंगाई को लेकर कि मैंने कहा था विधानसभा चुनाव के बाद सभी चीजों के पेट्रोल डीजल खास करके रेट बढ़ जाएंगे। तो देखा जाए शिखा, तो जो नो लॉबी है, जो विपक्ष है, वो कहीं ना कहीं अपने जो महंगाई का प्रदर्शन है वो सोशल मीडिया पे ही कर रहे हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कमेंट में प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पे बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था जो कि महज 2 दिन के अंदर ही समाप्त हो गया और वो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर उसका प्रदर्शन देखने को मिला देश के। और बात करें तो हो सकता है कि आने वाले समय में विपक्ष महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन फिर से करे। जी शिखा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे लखनऊ से। तो विपक्ष कहीं ना कहीं महंगाई के इस मुद्दे को, जो कि जनता से जुड़ा हुआ है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इस मुद्दे को उठाने में नाकाम नजर आ रहा है। एक दो दिन का प्रदर्शन, उसके बाद मौन साधे नजर आ रहा है विपक्ष, तो वहीं हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में पिछले 24 घंटे में 15 बच्चे कोविड संक्रमित मिले हैं। जानकारी के अनुसार बीते एक दिन में नोएडा में जिन 15 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उनकी उम्र 18 साल से कम है। आपको बता दें कि टीनेजर्स यानी कि 15 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन होना शुरू हो चुका है। लगभग ज्यादातर बच्चे पहली खुराक ले चुके हैं वैक्सीन की, लेकिन अब जिस तरह से अब बच्चों के ऊपर कोरोना का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल उठा रहा है, संकेत दे रहा है कि कहीं इस बार जो कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो उससे कहीं बच्चों पर तो खतरा नहीं। तो
तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंता का विषय ये है कि अब बच्चे ज्यादातर संक्रमित मिल रहे हैं। हमने तीन लहर देखी कोरोना की, लेकिन इन तीनों लहर में बच्चों पे काफी कम असर था, बच्चे संक्रमित नहीं हो रहे थे, उनकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग मानी जा रही थी। लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं, खासतौर से दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद, तो वहां से मामले सामने आ रहे, स्कूली बच्चे ज्यादातर संक्रमित हो रहे हैं। और अगर बात करी जाए बीते 24 घंटे की, तो बीते 24 घंटे में 15 बच्चे सामने आए हैं नोएडा में जो कोविड पॉजिटिव हैं, और साथ ही साथ इनकी उम्र 18 साल से कम बताई जा रही है। तो बच्चों के लगातार कोरोना पॉजिटिव होने का यह मामला काफी गंभीर नजर आ रहा है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। प्रवीण, लगातार नोएडा गाजियाबाद से जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उसमें बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? देखिए शिखा, आपको बता दूं जिस तरह से गाजियाबाद समेत NCR में जिस तरह से कोरोना विस्फोट हुआ है बच्चों के अंदर में, तो आपको वजह इसकी साफ तौर पर जाहिर ये होती है कि बच्चों के अंदर जो लापरवाही है, खासतौर पर उनके जो अभी पेरेंट्स हैं या उनके घर में किसी ना किसी तरीके से कोरोना को एक तरह से लापरवाह मान लिया गया है, क्योंकि लगातार जो सरकार की गाइडलाइंस लगातार हो रही है कि कोरोना अभी गया नहीं है, इस पे सावधानी बरतें, तो कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर, कोरोना को लेकर काफी चिंता का जो विषय है, इसको दरकिनार करके लोग बेफिक्र निकल रहे हैं घर से, ना ही मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। जिस तरह से कोरोना की सभी गाइडलाइंस हट गई है उसको मद्देनजर देखते हुए, तो कहीं ना कहीं अभिभावकों में और बच्चों में ये चीजें निकल कर बाहर आ चुकी हैं, तो लोग आश्वस्त होकर निकल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कहीं कोरोना जो है, कोरोना संक्रमण जो है अभी किसी पूरी तरह से भारत से अभी गया नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन की बात करी जाए तो वैक्सीनेशन लगातार सभी बच्चों को लग भी रही है, जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको भी लग चुकी है। बात की जाए छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन का, तो उसमें भी लगातार वैक्सीनेशन चालू है। जी, तो बच्चे ज्यादातर संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में स्कूलों द्वारा क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं प्रवीण? देखिए शिखा, लगातार जो स्कूल में बच्चों का जो कोरोना पॉजिटिव निकलना, वो लक्षण निकलना बच्चों के अंदर, खासतौर पे ये दर्शाता है कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। और बात करें स्कूलों की, प्रबंधकों की, जिस तरह से जो स्कूल प्रबंधक है उन्होंने साफ तौर पे मेडिकल इक्विपमेंट्स लिए हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं, लगातार CMO के टच में है, लगातार हेल्थ विभाग के टच में है, और उनसे बात भी कर रहे हैं कि जो अब नया वेरियंट जिस तरीके से जो लक्षण निकल के आ रहे हैं सामने, उसको लेकर भी काफी चिंता जता रहे हैं। और खास तौर पे जो अभिभावक हैं और जो स्कूल प्रबंधक हैं, उनका भी खास तौर पे ये कहना है कि अगर किसी बच्चे के सरदर्द होता है या बुखार होता है या उल्टियां आती हैं, तो वो तत्काल जाके अपनी जांच कराए, और जांच करा के ही पता चल पाएगा ऐसा क्यों है, क्या हो सकता है, क्योंकि गर्मियों में भी कई लोग ऐसे परेशान होते हैं, गर्मियों में भी तो उनको भी कभी खांसी साथ के साथ उल्टियां भी होती हैं, तो उसको लेकर वो खास तौर पे कोरोना की एक जांच जरूर कराएं, जिससे कि ये आश्वस्त हो जाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना है या कोई और बीमारी है। जी, तो स्वास्थ्य विभाग का क्या कहना है, इस बार बच्चे ज्यादातर संक्रमित हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई सलाह दी गई हो? देखिए शिखा, साफ तौर पे बता दूं जो स्वास्थ्य विभाग का कहना है साफ तौर पे कि आप लोग लापरवाही ना करें, क्योंकि ये बीमारी अभी पूरी तरह से गई नहीं है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं, वो दौर भी देखा लोगों ने जब 2019 में कोरोना ने दस्तक दी थी हिंदुस्तान के अंदर में, बाकी देशों में भी दी थी, लेकिन अगर बात की जाए हिंदुस्तान में लोगों ने पलायन भी किया था यहाँ से, काफी लोग पैदल जाकर अपने घर, अपने गणतंत्र तक पहुंचे थे यहाँ से पैदल जाकर, लेकिन वो दौर देखने के बाद, ये भयावह दौर था उस समय का, लेकिन उस चीज को सोचे लोग, तो ये बीमारी जो है, ये बीमारी कहीं ना कहीं अपना एक विकराल रूप ले सकती है अगर इस तरह से लापरवाही लोग बरतते हैं तो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़े थे। तो कोरोना की हमने तीन लहरें देखी हैं, जिसमें से दूसरी लहर सबसे भयावह थी और उस वक्त बच्चे ज्यादा प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन ऐसा मान रहे थे विशेषज्ञ कि जो तीसरी लहर होगी वो बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन तीसरी लहर काफी मामूली रही, उसका जो वेरियंट था वो काफी नॉर्मल रहा था, बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग मानी जा रही थी, वैक्सीनेशन बड़ों का हो चुका था, तो तीसरी लहर काफी खतरनाक नहीं रही। लेकिन जो चौथी लहर है अब वो बच्चों पे संकट, जिस तरह से विशेषज्ञ मान रहे थे कि बच्चों के ऊपर भी इसका खतरा आ सकता है, बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है कोरोना, और अब जिस तरह से बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि इस अगर एक और लहर आती है कोरोना की, तो बच्चों को सावधान रहने की जरूरत होगी, उनको सुरक्षित रखने की जरूरत होगी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।